हेलो एवरीवन, मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय वायरस बहुत फैल रहा है, इसलिए बहुत संभल कर रहने की ज़रूरत है। सावधानी पूर्वक रहें, बार बार हाथ धोते रहें। अगर बाहर निकलें तो मुंह पे मास्क लगा कर ही निकलें। बाहर से आई चीज़ों को बिना धोए ना खाएं। इन सब के साथ साथ काढ़ा भी पीते रहें, पर काढ़ा बनाने में काफ़ी झंझट लगता है। सारी चीज़ों को इकट्ठा करो, कूटो, फिर उन्हें उबालो, काफ़ी टाइम लग जाता है। इन सारी समस्याओं का बस एक ही उपाय है, सारी चीज़ें इकट्ठा करके उनका इम्यूनिटी पाउडर बनाकर रख लिया जाए। इससे हमें काढ़ा बनाने में आसानी होगी। तो चलिए देर ना करते हुए बनाते हैं काढ़े के लिए। पाउडर बनाने के लिए ये हमने एक पैन रख लिया है और गैस की फ्लेम को धीमा कर दिया है। देखिए, ये है सौंफ, ये हम 3 चम्मच लेंगे। एक चम्मच साबुत जीरा, 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच छोटी इलायची, 3 छोटे टुकड़े सौंठ, सौंठ की जगह आप सूखा हुआ अदरक भी ले सकते हैं, 2 टुकड़े दालचीनी के, 8-10 लौंगें। इन सारी चीज़ों को लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर भून लेंगे। इन्हें अधिक नहीं भूनना है, बस हल्की सी इनकी सीलन निकल जाए। मसाला भूनकर पीसने से ये अधिक दिनों तक ख़राब नहीं होते हैं, इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। ये देखिए, हमारी सारी चीज़ें भुन गई हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। इन्हें थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, उसके बाद पीसेंगे। ये देखिए, हमारा मसाला ठंडा हो गया है। हमने सौंठ को छोटा छोटा काट लिया था ताकि पीसने में आसानी रहे, और दालचीनी को भी छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया था। इन सारी चीज़ों को मिक्सर जार में डालकर पीस लेंगे। चलिए तो मिक्सर जार में डाल लेते हैं। ये देखिए गाइस, हमने मिक्सर जार में डाल लिया है। अब डालेंगे हम इसमें 1 चम्मच पिसी हुई हल्दी और ढक्कन लगाकर इसे बारीक पीस लेंगे। ये देखिए, हमने इसे पीस लिया है। चलिए तो अब हम इसे एक कटोरी में निकाल लेते हैं। ये देखिए गाइस, हमारा काढ़े के लिए मिक्स बिल्कुल तैयार है। अब हमें काढ़ा बनाते समय ना तो कोई चीज़ ढूंढनी है, ना ही कोई कूटनी है, ना ही काढ़ा हमें देर तक उबालना है। बस अब हमारा काढ़ा मिनटों में बनकर तैयार होगा। चलिए तो बताती हूँ काढ़ा हमें किस तरह से बनाकर तैयार करना है। काढ़ा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 गिलास गर्म पानी। ये हमने गिलास में गर्म पानी ले लिया है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच जो हमने पीस कर रखा था पाउडर वो लेंगे। इसे गर्म पानी में डालकर मिक्स कर देंगे। ये देखिए, बन गया काढ़ा। अगर आप चाहें तो इसे थोड़ी देर ढक कर रख दें। अगर आपको ऐसा काढ़ा पीने में परेशानी होती है तो आप इसे मीठा कर लें। मीठा करने के लिए इसमें गुड़ या शहद मिक्स कर लें। अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज़ है तो ये काढ़ा उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इसमें शुगर की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है। अब काढ़ा बनाना कितना आसान हो गया। बस थोड़ा सा पाउडर लेना है और गर्म पानी में मिक्स करना है। ज़रा सी देर में काढ़ा बनकर तैयार हो जाएगा। आप एक बार में बॉटल भर के पानी उबाल कर रख दें। जिस किसी को भी काढ़ा पीना हो, थोड़ा सा पानी लें और पाउडर मिक्स करें।
इस समय इस वायरस से बचने के लिए सावधानी से रहें, क्योंकि सावधानी ही हमारे परिवार की सुरक्षा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।